दीनदार होना और बेढंगी जिंदगी होना, बेढंगी, ये एक ही चीज के दो नाम बन चुके हैं। यानी दीनदारी का मतलब यह समझा जाता है कि किसी काम का ना हो आदमी, समझ रहे, कितनी बहुत नेक है ये, बहुत नेक है मतलब दुनिया में किसी काम का बोलना पड़ेगा आप लोगों को। जब किसी के बारे में कहते हैं ना ये साहब बहुत नेक है, इसका मतलब पता है क्या है, किसी काम का न 3 में न 13 में। अल्लाह ताला ने जो दीन हमें दिया है इसमें अल्लाह ने दुनिया की कामयाबी भी रखी है और आखिरत की कामयाबी भी रखी है। ये बयान शुरू हो चुका है, ठीक है ना, ऐसा ना हो आप समझे कि बयान अभी बाद में शुरू होगा, मैं कुछ तमहीद बांध रहा हूं। जो दीन अल्लाह ने हमें दिया है इसमें अल्लाह ने दुनिया की कामयाबी भी रखी और आखिरत की भी। अगर इस दीन की वजह से आप दुनिया में कामयाब नहीं हो रहे तो इसका मतलब आप दीन पे भी अमल नहीं कर रहे हो। यह हो नहीं सकता कि दीन पे चलो और दुनिया में कामयाब ना हो, आखिरत तो फिर बाद की बात है, दुनिया में भी। हाँ, बाज दफा वक्ती तौर पर किसी को नुकसान होता है दीन पे चलने में, कोई जुल्म करके उसको नुकसान पहुंचा दे तो एक अलग बात है। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे एक आदमी बीमार है, इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर ने ही ज्यादती की, उसके साथ जहर का इंजेक्शन लगा दिया, तो अब इस मरीज को मलामत नहीं की जाएगी कि इसने इलाज की फिक्र नहीं की, भाई डॉक्टर ने ही गड़बड़ कर दी। तो मजहब पे चल के अगर कोई दुनिया में कामयाब नहीं हो रहा तो या तो कोई ज्यादती कर रहा हो ना, किसी ने जुल्म कर लिया, एक अलग बात है, लेकिन अगर ये भी नहीं है तो इसका मतलब ये मजहब पे चल रहा नहीं है, ये हो नहीं सकता। लेकिन आप देखो कि मुसलमान मिन हैसुल कौम, आगे के बजाय कहां जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, तो ये हो नहीं सकता कि ये मजहब पे चल रहे हो और जा कहां रहे हो, पीछे। इसका मतलब ये है कि या तो ये मजहब पे चल नहीं रहे या ये गलत चीज को सही समझ के उस पे चल रहे हैं। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात, आवाज सबको साफ आ रही है ना, कोई मसला तो नहीं हो रहा। मेरे पास लोग आते हैं मुझसे, एक मसला है, मैं कहता हूं करीब में थाना है, वहां रिपोर्ट करा दो भाई, मसाइल के लिए कौन है, थाने है ना मसले वसले। तो हमारे यहां दीनदार लोगों में बहुत से मसाइल में कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, जिनकी वजह से एक अलामत बन चुकी है, मां बाप का जो बच्चा सबसे नेक होगा सबसे पीछे वही होगा। कहते हैं किसी एक ही अंडा वो भी गंदा, ये अल्फाज इस्तेमाल, ये किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये नेक बहुत है, क्योंकि ये क्या है, नेक बहुत। वो जो चरसी मरसी है ना वो थोड़ा बहुत कुछ कर लेता है आगे। मैं अक्सर इसमें एक चुटकुला सुनाता हूं कि एक साहब अपने बच्चों का तआरुफ करवा रहे थे, कहने लगे कि जी ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, ये साइंटिस्ट है, ये बिल्डर है, ये चोर है। तो उन्होंने कहा इसको रखा हुआ क्यों है घर में, कहते कमाता सिर्फ यही है, कमाता सिर्फ ये। तो खैर एक चुटकुला है। तो अगर आप दीन पर चलने की वजह से दुनिया में पीछे हो रहे हैं इसका मतलब आप दीन को फॉलो नहीं कर रहे। मैं इसकी एक मिसाल देता हूं, मैं कोशिश करता हूं मिसालों से ना जो दावा मैं कर रहा हूं वो मिसाल से समझ में आए। बाज लोगों की आदत होती है, देखो बाज चीजें ऐसी होती हैं कि उनको आप अगर उनकी डेफिनेशन बयान करोगे तो समझ में नहीं आएंगी,
ان کی مثال دو تو سمجھ میں آئیں گی. بعض چیزوں کو ڈیفائن کرنا الفاظ میں تقریباً ناممکن ہوتا ہے. مثلاً یہ گلاس ہے نا, اگر کوئی مجھ سے پوچھے جس کو گلاس نہیں پتا, کوئی دیہات سے اٹھ کر آیا اس کو نہیں پتا ان کی زبان میں گلاس کسے کہا جاتا ہے, اور اس نے کبھی گلاس دیکھا بھی نہ ہو, جنگل میں پلا بڑا ہو وہ, تو میں شکر ہے یار اس کو بند کرو یار, سکون ملا نا, کچھ شور کم ہوا تھوڑا سا. تو اب مجھے, میں اس کو گلاس کی ڈیفینیشن بیان کر رہا ہوں کہ گلاس کسے کہتے ہیں. جیسے ہوتا ہے نا نیوٹن کا پہلا لا, دوسرا لا, تیسرا لا, پتہ نہیں کتنے لاز ہیں, واللہ اعلم بولیا میں. تو میں اسے یہ کہوں کہ گلاس اسے کہتے ہیں کہ ایک ایسی چیز جو گول ہو, لمبی ہو, نیچے اس کے پیندا ہو, اس میں لیکوڈ چیزیں آ سکتی ہوں. تو وہ فوراً کیا کہے گا, بھائی جگ. اس کا دماغ کہاں جائے گا, جگ کی طرف. وہ لا کے جگ دے رہا ہے, اسے کہتے ہیں نہیں. پھر میں ڈیفینیشن چینج کر رہا ہوں تھوڑی سی. نہیں بھائی, گلاس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ گول ہو, لمبا ہو, نیچے سے اس کے پیندا ہو, تھوڑا چھوٹا ہو. وہ لے آئے گا کپ, ٹھیک ہے. وہ کیا لے آئے گا, کپ. پھر میں کہوں گول ہو, تھوڑا لمبا ہو, اس سے تھوڑا اونچا ہو, نیچے اس کے پیندا ہو, وہ بڑا والا مگا لے کر آ گیا. میں کہوں گا نہیں بھائی, دوبارہ سے گول ہو, دیواریں ہوں اس کی, نیچے پیندا ہو, اور اتنا بھی لمبا نہ ہو. مطلب یہ کہ 6 مہینے لگ جائیں گے اس کو گلاس سمجھانے میں. وہ ہو سکتا ہے کوئی کچھ اور اٹھا کے لے آئے, وہ پیالہ اٹھا کے لے آئے, وہ جو باؤل ہوتا ہے نا جس میں ہم پانی پیتے ہیں. مجھے پھر ایک اور قید بغیر اس میں کنڈا بھی نہ ہو, اس سے بہتر نہیں تھا. میں کہتا ہوں اسے کیا کہتے ہیں, گلاس. اس ٹائپ کی جتنی چیزیں ہوں گی کیا کہلائیں گی. تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب مثال دی جائے تو بات 2 منٹ کے اندر سمجھ میں آ جاتی ہے. تو میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں, کہ ہمارے ہاں دیندار لوگ اجتماعی سطح پہ بھی, انفرادی سطح پہ بھی دنیا میں پیچھے ہیں, کامیاب نہیں ہوتے. وہ جس کی ایک مثال مائک ہے, معذرت کے ساتھ, جس کی ایک مثال کیا ہے, یہ مائک ہے جس میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں. اب دیکھو کتنے کروڑوں روپے لگے ہیں نا دیواروں پہ, کیا خیال ہے, پنکھے کتنے قیمتی لگے ہوئے ہیں, اور ماشاءاللہ مسجد میں ایک, اس کا 20واں حصہ مائک پہ لگ جاتا ہے, جو ضرورت, جو پہلی ضرورت ہے. کیونکہ بیانات ہوتے ہیں مستقل, اذان ہوتی ہے, تلاوت ہوتی ہے, لوگوں کو زیادہ ضرورت ٹائل کی نہیں ہوتی. تلاوت میں مزہ آ رہا ہے, چھپڑ کی مسجد ہوگی نا لوگ سن لیں گے. یہ ٹائلیں تو گھر بھی دیکھ کر آتے ہیں, معذرت کے ساتھ, یہ سب مسجدوں میں ہی ہے, ہر جگہ ہی ہے. پلاننگ نہیں ہے ہماری کسی بھی چیز میں, سوچتے نہیں ہیں, بغیر سوچے سمجھے زندگی گزرتی جا رہی ہے, گزرتی جا رہی ہے سب کی. صرف یہاں ہر جگہ کا, یہ میرا بھی یہی حال ہوگا شاید. میں ایک مثال دینا چاہ رہا تھا کہ ایک تاجر ملے جن کا کروڑوں کا بزنس ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کا کروڑوں کا بزنس ہوتا ہے. میری ملاقات ہوئی, میں نے کہا آپ اس بزنس کو اربوں کا کر سکتے ہو؟ کر سکتا ہوں. میں نے کہا کیوں نہیں کرتے پھر؟ انہوں نے کہا میرے لیے یہ بھی بہت ہے, میرے گھر والوں کو اگر مہینے میں میری 1 کروڑ ارننگ ہو تو میرے گھر کے لیے, میرے خاندان کے لیے یہ بہت ہے, مجھے اس سے زیادہ کمانے کی ضرورت, بولو بھائی, نہیں ہے. مجھے کیا ضرورت کہ میں اربوں کا بنا دوں اس کو. وجہ کیا ہے, ان کے ذہن میں, میں نے کہا دیکھیں ضرورت آپ کو کروڑوں کی بھی نہیں ہے. یہ جو آپ کروڑ روپے کما رہے ہو, کسی رکشے والے سے پوچھو اس کو کروڑ روپے دو گے وہ تو خوشی سے مر جائے گا. ضرورت آپ کو اس کی بھی نہیں ہے, یہ بھی غلط کر رہے ہو جو آپ کما رہے ہو. 1 کروڑ کما کے بھی کیا کر رہے ہو. ایک آدمی کی لاٹری نکلی نا 10 کروڑ روپے کی, غریب آدمی تھا. تو ماہر نفسیات سے رابطہ کیا کمپنی نے کہ بھائی اس کو اگر ہم نے اچانک بتا دیا کہ تمہارے 10 کروڑ نکلے تو مرنا جائے گا خوشی سے. تو ماہر نفسیات کو بھیجا جائے جو اس کو آرام آرام سے بتائیں کہ ایک دم خوشی سے ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے اس کو.
तो माहिर नफ्सियात गया उसको समझाने के लिए, बोला अगर तुम्हारे 1,00,000 रुपए लॉटरी में निकले तो तुम क्या करोगे? उसने कहा खुश हो जाएंगे भाई, ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, 1,00,000 से 2,00,000, 2,00,000 अगर निकल जाए, 10,00,000 अगर निकल जाए, होते 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 आ गया 1,00,000 पे ना, कि अच्छा अगर 1,00,000 निकल जाए, उसने कहा आधे तुझे दे दूंगा, ये मर गया। ये खुशी से मर गया। तो किसी रक्षे वाले को बोल दो कि भाई तेरी 1,00,000 रुपए तुझे मैं दे दिया करूंगा हर महीने, तो खुशी से मर जाएगा। तो मैंने उन ताजिर से कहा कि जो 1,00,000 रुपए कमा रहे थे, कि जरूरत आपकी 1,00,000 भी, मेरा ख्याल है कि 1,00,000 कमा रहे, मुझे बताएं बताता कौन है आजकल, मुझे क्या पता, अंदाजा था कि 1,00,000 तो होगी इनकी, तो भाई जरूरत तो इसकी भी नहीं है, जरूरत तो 2 टाइम की रोटी, रात को सर छुपाने की जगह जिसमें 4 कमरे हों कम से कम, वो आप समझते हैं क्यों, कम से कम उसमें कितने कमरे हो, 4 कमरे, तो जरूरत तो इससे भी पूरी हो जाती है। तो एक आदमी ने कहा ना मुझे क्या चाहिए, एक ऐसी बीवी जो मेरे पांव दबाए, एक ऐसी बीवी जो खाना पकाए, एक ऐसी बीवी जो अखलाक से बात करे, एक ऐसी बीवी जो अच्छे खानदान की हो, और ये चारों मिलके मेरी खिदमत करें। तो अलग अलग की सिफात बयान कर रहा था। तो मैंने उनसे कहा कि देखो जरूरत तो इस बात की, जरूरत तो 1,00,000 की भी, अगर ये पैसा कमाना दुनिया की मोहब्बत है तो ये 1,00,000 भी बहुत है, और अगर ये दुनिया की मोहब्बत नहीं है तो ये 1,00,000 भी कम है, फिर जितना कमा सकते हो कमाओ। कहने लगे मुझे जरूरत क्या है, मैंने कहा जरूरत इसकी भी नहीं है, और अगर कौम की जरूरत देखते हो तो फिर 1 अरब कमाने वाले के लिए 1,00,000 पे गुजारा करना ये गलत है, क्योंकि इस्लाम मुसलमान जितना मुआशी लिहाज से मजबूत होगा इस्लाम उतना ही मजबूत होगा। सहाबा किराम में जिहाद में जो चंदा देने वाले सहाबा थे अक्सरियत, वो करोड़पति नहीं अरबपति थे, उनकी तिजारतें बहुत फैली हुई थी, नबी ने कभी जिंदगी में उनको 1 दफा भी नहीं कहा कि अपनी तिजारत का हुजम कम करो। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू बकर, हजरत मुगीरा इब्ने शोबा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मुमिनुल कवीयु खैरुम मिनल मुमिनिल ज़ईफ, ताकतवर मोमिन अल्लाह, एक हदीस में अहब्बु इलल्लाह, अल्लाह को ज्यादा महबूब है कमजोर मोमिन से। उलमा कहते हैं इससे सिर्फ जिस्मानी ताकत मुराद नहीं है, किसी भी फील्ड में आप पावरफुल होंगे तो कमजोर आदमी से इस्लाम आपको ज्यादा पसंद करेगा। नॉलेज की पावर भी एक पावर है, आपके पास नॉलेज ज्यादा है, एक आदमी के पास नॉलेज कम है, तो नॉलेज वाला आदमी अल्लाह को ज्यादा महबूब है कम नॉलेज वाले आदमी से। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? एक आदमी के पास कोई एबिलिटी है, कोई काबिलियत है, वो कुछ कर सकता है, सियासत में आ गए है वो, एक मिसाल दे रहा हूं, उसके पास कोई ओहदा है, और एक वो आदमी है जिसके पास ओहदा नहीं है। तो जिसके पास कोई ताकत है कुव्वत है वो हदीस के मुताबिक अल्लाह को ज्यादा महबूब है उस शख्स से जिसके पास वो ओहदा नहीं है, क्योंकि ओहदे वाला आदमी वो कुछ कर सकता है जो कम ओहदे वाला नहीं कर सकता। आप देखो ना, मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के पास भेजा गया है डायरेक्ट, क्यों? फिरौन के पास पावर है। तो मूसा कलीमुल्ला को भी हुक्म दिया जा रहा है कि मेहनत किस पे करनी है, फिरौन पे, ये ठीक हो गया तो ये पावरफुल आदमी है। हजरत मूसा ये भी तो कर सकते थे घर घर जाके एक एक को जाके समझाना शुरू करें, लेकिन अल्लाह को मालूम था कि एक पावरफुल आदमी ठीक हो गया तो पूरा मिस्र ठीक हो जाएगा, हालांकि वो काफिर है गैर मुस्लिम है, लेकिन पावरफुल होने की वजह से उसको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। बहुत मुश्किल है भाई बात समझाना इस जमाने में, इससे भी ज्यादा कुछ काम मुश्किल है, वो किसी और वक्त बताऊंगा इंशाल्लाह। तो यह है ओहदे की ताकत। एक साहब मुझे कहने लगे नेवी में, मैंने कहा यार इम्तिहान पास करो कमीशन ऑफिसर बन जाओ, कहने नहीं भाई ऑफिसर जो इनमें तकब्बुर बहुत होता है, मैं फौजी बन के जिंदगी गुजारूंगा तो मुझे में तवाज़ु। मैंने कहा ठीक है भाई अच्छी बात है, आप फौजी भी
अच्छी बात है, मुजाहिद है, अल्लाह की राह में लड़ने वाला। लेकिन अगर अल्लाह ने आपको सलाहियत दी है ऊपर जाने की, तो आप जैसे आदमी के लिए नीचे रहना ये अल्लाह की नजर में पसंदीदा नहीं। माली लिहाज से पावरफुल होना और जिस्मानी लिहाज से ताकतवर होना, एक आदमी जिस्मानी लिहाज से सेहतमंद है, एक क्या है, कमजोर है, तो हदीस सही हदीस के मुताबिक जो पावरफुल है, ताकतवर है, वो अल्लाह को ज्यादा महबूब है, और जो ताकतवर नहीं है वो अल्लाह को उसकी निस्बत कम महबूब है। मुमकिन है बहुत से लोग ये सोचें कि यार हम गरीब हैं, हमारा फिर क्या नुकसान, हम तो अल्लाह के गोया महबूब ही नहीं है। देखो, जो भी कमजोरियों की जितनी किस्में है ना, चाहे नॉलेज के लिहाज से कमजोरी हो, ओहदे के लिहाज से कमजोरी हो, सेहत के लिहाज से कमजोरी हो, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कमजोरीज। वीकनेस की कितनी किस्में हैं? दो किस्में। एक कमजोरी जो अल्लाह की तरफ से हो और एक आपकी तरफ से हो। वो जो ताजर 1 अरब रुपए कमा सकता है मगर कमा कितना रहा है, 1 करोड़, तो वो 1 अरब वाले की निस्बत कमजोर है। अल्लाह की तरफ से है या अपनी तरफ से है? वो अपनी तरफ से है ना। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? एक आदमी कमजोर है अल्लाह के। अय्यूब अलैहिस्सलाम की सारी जिंदगी कमजोरी में, बीमारियों में गुजरी, बीमारियों में गुजरी ना अय्यूब अलैहिस्सलाम की सारी जिंदगी। यही उनका कमाल था कि उन्होंने सबर किया। तो वो अल्लाह की नजर में सेहतमंदों से ज्यादा महबूब थे। वजह उसकी ये थी, जो बीमार है वो कमजोर भी होता है ना, वो तो कुछ नहीं कर सकता, वो तो बेचारा बिस्तर पे पड़ा रहता है। वजह उसकी ये थी कि ये अय्यूब अलैहिस्सलाम की जो कमजोरी और बीमारी, ये अय्यूब अलैहिस्सलाम की अपनी तरफ से नहीं थी, ये किसकी तरफ से थी? अल्लाह की तरफ से। गुर्बत अल्लाह की तरफ से हो ये आजमाइश है, इसमें अल्लाह आपसे नाराज नहीं होगा। कमजोरी अल्लाह की तरफ से हो या अल्लाह की तरफ से, आप आर्मी में कमीशन ऑफिसर भर्ती होने के लिए गए, आपने पूरी कोशिश करी, कर ली, आईएसएस भी क्लियर ही नहीं कर पाते, आप एक फौजी भर्ती हो गए, या आपकी तरफ से नहीं है, किसकी तरफ से है? अल्लाह की तरफ से। हमारा अलमिया ये है कि जो कमजोरियां, तनज्जुल और नाकामियां हमारी अपनी ईजाद करता है, वो भी हम किसके खाते में डाल रहे हैं? अल्लाह के खाते में डाल रहे हैं, और फखर भी कर रहे हैं उसमें। एक बड़े आलिम की मैंने एक बात सुनी जो बड़ी जबरदस्त बात है, कि आज मुसलमान नाकाम होता है, एक ऐब तो ये है, ये बड़ा ऐब है कि नाकाम है, बहुत सारे शोबों में नाकाम है, बल्कि अगर ये देखा जाए तो सारे ही शोबों में नाकाम है। हकीकत है ये, कोई एक शोबा नहीं है जिसमें मुसलमान मिन हैसुल कौम कामयाब है। कहा कि ये भी ऐब है कि नाकाम है, लेकिन कमाल ये है, यानी इससे ऐब में कमाल ये है कि इस नाकामी को क्या समझ रहा है, कामयाबी। जिसकी मैंने मिसाल दी कि ये हजरत बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, क्योंकि किसी काम के है, ये बच्चा मेरा बहुत नेक है, किसी काम का, महल्ले में ये लड़का क्या है, बहुत किसी काम का नहीं है। शरीफ होना इसकी अलामत है किसी काम का ना हो, यानी एक बाज लोगों की नजर में ये शराफत इसको कहते हैं, हालांकि शराफत कहते हैं कि शर और आफत ना हो, शर और आफत से पाक हो तो शराफत बनती है, शर और आफत को मिलाओ तो शराफत बनती है ना। तो खूब समझ लें कि ये इस्लाम का गलत तसव्वुर है। हम अगर सहाबा की जिंदगियां उठा के देखते हैं, नबी की सीरत उठा के देखते हैं, पैगंबरों की सीरत हम पढ़ते हैं, बहुत होशियार थे हर मामले में। मैं लोगों को सेहत की मिसालें अक्सर देता हूं, इसलिए कि सेहत की मिसाल आसानी से समझ में आ जाती है, कि जो आदमी अपनी सेहत का ख्याल ना कर सके वो बाकी चीजों में क्या करेगा।